इंसान की जिंदगी में समय का बड़ा महत्व होता है। समय के हिसाब से चलने वाले ही आगे की जिंदगी में कामयाब बनते हैं। समय की बात करें तो बचपन से ही बच्चे को घड़ी देखना सिखाया जाता है। माना जाता है कि अगर बच्चे को समय देखना आएगा तभी वो समय की अहमियत को समझ पाएगा। समय के बारे में जानने के बाद ही वो अपना हर काम टाइम से खत्म कर पाने में सफल हो पाएगा। घड़ी देखते हुए बच्चे को ये सिखाया जाता है कि एक कब बजते हैं और दो कब बजते हैं, लेकिन इस दौरान ये भी सिखाया जाता है कि घड़ी के कांटे 12:30 पर आते ही 12:30 बजते हैं और 1:30 पर आते ही 1:30 बजते हैं। बचपन में हमेशा जब भी कोई हमसे वक्त पूछता था तो हम 1:30 को 1:30 और 2:30 को 2:30 बताते थे, जो कि भारतीय गिनती सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल गलत होता है। हिंदी भाषा में हम 1:30 के लिए 1:30 और 2:30 के लिए 2:30 का इस्तेमाल करते हैं। बचपन में जब घड़ी देखना सिखाया जाता था तब उस वक्त दोपहर में 1:30 या 2:30 के आसपास कोई टाइम पूछता था तो शायद आप भी उन्हें मजाक में 1:30 या 2:30 बता देते होंगे। मगर उस वक्त ये बात भी बहुत कंफ्यूज करती थी कि आखिर जब 11:30 को 11:30 और 12:30 को 12:30 कहा जाता है तो 1:30 को 1:30 और 2:30 को 2:30 क्यों कहा जाता है। इन्हें भी बाकी वक्तों की तरह 1:30 और 2:30 क्यों नहीं बोला जाता, तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इसके बारे में। दरअसल ये शब्द भारतीय गिनती की ही देन है। भारत में जो गिनती का सिस्टम चला आ रहा है उसमें 1:30 और 2:30 के अलावा 1/4, 1/4 वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द फ्रैक्शन में चीजों को बताते हैं। पहले के समय में लोगों को कई तरह के फ्रैक्शनल शब्द पढ़ाए जाते थे, जैसे कि 1/4 को पाव, 1/2 को आधा और 3/4 को पौना कहा जाता है। इन्हीं शब्दों को घड़ी में भी इस्तेमाल किया जाने लगा और इसका सबसे बड़ा कारण है समय की बचत। आप ही बताइए कि 1:30 से ज्यादा आसान 1:30 या 2:30 कहना है या नहीं। वैसे ही 5:15 कहने से ज्यादा आसान है 5:15 कहना, या फिर 3:15 जब बाकी हो तो इसे 2:45 कहना आसान होता है। सीधे तौर पर कहें तो एक छोटे शब्द के इस्तेमाल से सब कुछ क्लियर हो जाता है, इसलिए हिंदी के गणित के शब्दों को घड़ी के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक इसी तरह रुपयों पैसों के हिसाब या लेन देन में हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 150 और 250 को 150 और 250 रुपए कहते हैं। माप तौल में 1.5 किलो 2.5 किलो, 1.5 मीटर 2.5 मीटर, 1.5 लीटर 2.5 लीटर वगैरह बोला जाता है। अलग अलग देशों में फ्रैक्शन को लिखने के तरीके भी अलग अलग हैं। फ्रैक्शन का आधुनिक ढंग भी भारत की ही देन है। समय में, रुपए पैसे में, तौलने में फ्रैक्शन के इस्तेमाल के पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक तरह से इंडियन स्टैंडर्ड और ट्रेंड का मामला है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।